जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में रायपुर नगर निगम के बहुत ही एक्टिव, बहुत ही सुलझे हुए, पढ़े लिखे श्री अजीत कुकरेजा जी साथ में हैं। वित्त विभाग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं आप, और बहुत सारा काम मुझे लगता है रायपुर नगर निगम ने एक इतिहास रचा है। ये 5 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छी टीम थी। क्या कहेंगे अजीत भाई, क्या उपलब्धियाँ, लैंडमार्क बहुत सारी हैं, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे उस पर। हमने पूरी कोशिश की कि रायपुर नगर निगम को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, क्योंकि नगर निगम का जब हम सत्ता में आए रायपुर नगर निगम में, हमने देखा नगर निगम का रेवेन्यू बहुत कम था और हर छोटे से बड़े काम के लिए हमको राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। तो सबसे पहले हमने लिस्ट निकाली कि कितने ऐसे मकान हैं रायपुर में जो संपत्ति कर नहीं पटाते हैं, कितने ऐसे नल कनेक्शन हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं रायपुर में। तो हमने देखा कि 2.25 लाख हाउस होल्ड्स में सिर्फ 1 लाख हाउस होल्ड्स ही संपत्ति कर पटा रहे हैं। हमने उसका दायरा बढ़ाया, लगभग 1.5 लाख घरों को हमने अभी तक छू लिया है। उसके अलावा संपत्ति कर में भी हमने काफी कई ऐसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स थे जो सालों से रेवेन्यू नहीं दे रहे थे, हम उनका रेवेन्यू भी हमने उनके थ्रू बढ़ाया। तो एक बार अगर नगर निगम का रेवेन्यू बढ़ता है तो आप काम बहुत तेजी से करते हैं। उसके अलावा अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो आप देखेंगे एक समय था रायपुर में जगह जगह मुक्कड़ होते थे, कचरा पड़ा रहता था और जो आदमी सबसे गंदा शहर भी रहा, सबसे गंदा शहर था। जो व्यक्ति, चाहे हमारे भी रिश्तेदार, वो बाहर से घूमने आते थे तो बोलते थे यार तुम्हारे रायपुर की हालत तो बहुत खराब है, और बड़ा दुख लगता था। पर आज मैं बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि हम साफ सफाई में देश में 7वें नंबर पे हैं। 113 करीब था जो उसके 113 से 7वें, और इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की। हमने एक चीज समझा कि डोर टू डोर कलेक्शन अगर हम किसी कंपनी को देते हैं, आउटसोर्स करते हैं, तो हमारे जो बाकी लेबर हैं वो रोड और नाली साफ करने में लग जाएंगे, जो कि एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हमने कंपनी को लाया, कंपनी से काम करवा रहे हैं और रिजल्ट भी अभी तक तो पॉजिटिव आ रहे हैं। और क्या लैंडमार्क लगता है, जैसे बस स्टैंड की बात करें या जवाहर नगर की बात करें? देखिए, हमने इस कार्यकाल में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाए हैं जो आने वाले समय में रायपुर की पहचान बनेंगे। चाहे आप तेलीबंदा सरोवर की बात कर लें, चाहे आप कटोरा तालाब सरोवर की बात कर लें। आज मैं देखता हूं कि लाखों लोग शाम कर आके, कोई अपने बच्चे के साथ आया है, कोई हस्बैंड वाइफ साथ में आ रहे हैं, वहां वॉक कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो एक ऐसी जगह मिल गई है जहां लोग आराम से बैठ के अपना। पूरे छत्तीसगढ़ में एमडी के नाम से तेलीबांधा सरोवर फेमस है, लोग आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि कहां जाना, तो वहीं जाना है। तेलीबांधा तालाब एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन चुका है। इसके अलावा जवाहर नगर मार्केट अगर आप जाके देखेंगे तो पहले दुकानों की क्या स्थिति थी, अब जो नया मार्केट बन रहा है वो स्मार्ट मार्केट बन रहा है। और मालविया रोड जैसी जगह में जवाहर मार्केट जैसा एक मार्केट बनना, ये लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी, जो आज नगर निगम पूरी करने जा रहा है। इसके अलावा गंज पारा में भी एक हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है और भैंसस्थान में भी चल रहा है। पर भैंसस्थान में मेरी जो व्यक्तिगत राय थी कि एक ऑक्सीजोन बनाया जाए, जिस तरीके से कलेक्ट्रेट के पीछे हम लोगों ने ऑक्सीजोन बनाया, वैसा ऑक्सीजोन भैंसस्थान में बनना चाहिए। शहीद स्मारक का भी कायाकल्प किया जी। शहीद स्मारक आपको याद होगा, अगर हम कार्यक्रम करते थे तो वहां पे साउंड प्रूफिंग नहीं हुई थी तो आवाज पूरी गूंजती थी, एसी नहीं था तो लोग गर्मी में पसीना पोंछते पोंछते बैठते थे। आज उसको एयर कंडीशन करके, साउंड प्रूफ करके, पूरा साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम, वो ऐसा स्थल बन गया है कि आप आए और एक फिक्स अमाउंट दें और आपको ना साउंड लाना है ना लाइट लाना है, सारा अरेंजमेंट वहां पे किया हुआ है। अभी वापस से नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और रायपुर शहर सामान्य सीट हो गई है, 2 बार कांग्रेस यहां पर काबिज हो चुकी है, 3री बार क्या लगता है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होगी या लोगों की? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं होगी, क्योंकि 2 बार कांग्रेस के महापौर रहे जब बीजेपी की सरकार थी। पहली बार तो चलो आप जीत के आ गए, आपने अच्छा काम किया तभी जनता ने दोबारा जीता, आपको दोबारा पहुंचाया वहां पे, मौका दिया। और सरकार नहीं होने के बाद भी पहले कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, इसलिए दूसरा कार्यकाल भी आया। दूसरे कार्यकाल में तो हमने पहले कार्यकाल से 10 गुना ज्यादा काम किया। तो मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं है। और अगर राज्य में एक सरकार है और वही सरकार नगर निगम में आती है तो शहर का डेवलपमेंट 4 गुना तेजी से होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है रायपुर की जनता समझ रही है कि रायपुर के विकास के लिए बहुत सारे नाम मेयर की दौड़ में है, स्वाभाविक भी है, लोकतंत्र है तो सारे लोग आते हैं, उसमें एक नाम आपका भी आ रहा है और प्रमुखता से आ रहा है कि विधानसभा की टिकट के भी आप उचित प्रत्याशी थे, किसी कारणवश से पार्टी ने आपका उपयोग नहीं कर पाया, तो क्या लगता है इस बार? देखिए, दावेदारी करना तो सबका अधिकार है, पर अभी तक मैंने दावेदारी नहीं की है। और कांग्रेस पार्टी में
नीचे से नाम आएंगे वो नाम तय होते हैं। तो अभी पार्टी ने सर्वे चालू किया है, नीचे से लोगों के बीचों से बूथ से जो नाम आएंगे वो नाम को फाइनल करेंगे और पूरा निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी और उनके साथ के जितने लोग हैं उन लोग मिलकर निर्णय लेंगे। और पार्टी को लगता है कि जो आदमी सही है पार्टी उसको टिकट देगी और हम पार्टी के साथ हमेशा खड़े हैं। ये अच्छी बात है कि आप पार्टी के साथ में खड़े कर रहे हैं, जिसको भी टिकट मिले उसके लिए काम करते हैं, ये अच्छी बात लगता है। आपके अभी विधानसभा अगर पश्चिम उत्तर की बात करें तो उसमें भी अगर कुलदीप यूनर जी जी के आए हैं तो इसका मतलब ये लगता है कि आप लोगों ने सबने काम किया है पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, हम लोग कांग्रेस पार्टी के सैनिक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम पार्टी के साथ रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जनता से, भी क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील करना चाहूंगा कि सिर्फ विकास के मुद्दे पे आप वोट दें। अभी चुनाव आएंगे, लोग आपको इधर से उधर दूसरे मुद्दों में भटकाने की कोशिश करेंगे, पर आप ये देखिएगा कि किसने रायपुर में काम किया, कब कब रायपुर में जरूरत पड़ी और कौन आकर खड़ा हुआ। अगर आप ये सोचकर निर्णय लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि राशन कार्ड किस तरीके से लगातार निरस्त हो रहे थे, आज अगर भूपेश बघेल जी की सरकार आई है तो सबके राशन कार्ड बन रहे हैं, एपीएल के भी सामान्य के भी बन रहे हैं। तो इसमें जो फर्जीवाड़ा होता था वो फर्जीवाड़ा खत्म हो गया और आप जिस तरीके से राशन दुकान में इधर से उधर भटकते थे आपको राशन नहीं मिलता था, आज नया राशन कार्ड बन के आ रहा है और 35 किलो राशन हर परिवार को मिल रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा और आपको थोड़ा एक बैठ के समझना सोचना पड़ेगा कि कौन आपके हित के लिए काम करने जा रहा है और उस हिसाब से आप निर्णय लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में दिनेश साहू भी है, सितारा जी भी है, निशा द्विवेदी भी है, उनका धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।